उनके लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषित संकल्प के अनुरूप एक रसोई गैस का फ्री सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को प्रारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर के 1,75,00,000 से अधिक उन सभी लाभार्थियों को जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने इस सौगात को 2016 से उपलब्ध करवाया है, उन सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देते हुए प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर सन 2016 में रसोई गैस की किल्लत को समाप्त करते हुए उन लोगों तक जो गरीब थे, वंचित थे, कमजोर थे, जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, उन लोगों को भी रसोई गैस का कनेक्शन मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। और देखते ही देखते देश के अंदर 9,60,00,000 परिवार ऐसे थे जिन लोगों को पहली बार फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध हो पाए थे। यह केवल एक कनेक्शन नहीं था, उज्ज्वला योजना का यह सौगात उन्हें घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समय पे स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम की शुरुआत तो थी ही, लेकिन उन्हें विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक उपहार था। हम सब जानते हैं कि धुआं कितना खतरनाक होता है और इसमें फेफड़े अगर समय पे काम न करें व्यक्ति के लिए श्वास लेना कठिन हो जाता है, श्वास फूलती है, चल नहीं पाता है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है और वह व्यक्ति के लिए कितना संकट हो जाता है। यह हमने पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर कोरोना कालखंड में देखा है। जिनके लंग्स, जिनके फेफड़े कमजोर थे, वे लोग कोरोना का सामना नहीं कर पाए, असमय कालखंडित हो गए। जो नियमित अभ्यास करता है, स्वस्थ दिनचर्या अपनाता है, स्वास्थ्य उसका एकदम उत्तम है, अनुकूल है, वो स्वस्थ है, कोरोना जैसी महामारी आई चली गई, उसका बाल बांका नहीं कर पाई। याद करिए, अगर 2016 में उज्ज्वला योजना नहीं आई होती, कितने लोग इसकी बीमारी की चपेट में आए होते। बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाया है उज्ज्वला योजना ने और उनको एक स्वस्थ राह पर चलने का एक मार्ग भी दिखाया है उज्ज्वला योजना ने। हम सब इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने देश के अंदर 9,60,00,000 परिवारों को, यानी परिवार में अगर आप देखेंगे, एक परिवार में अगर 5 लोग भी होंगे तो परिवार, कितने लोगों को उन्होंने जीने की एक राह दिखाई। लगभग 50 करोड़ लोगों को केवल एक योजना से सीधे सीधे लाभान्वित करने का काम किया गया और इस योजना से कैसे क्रमबद्ध तरीके से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए और 1,75,00,000 से अधिक परिवारों को
रसोई गैस के लिए स्वस्थ ईंधन एलपीजी का मिलना प्रारंभ हुआ। इसमें अभी तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एलपीजी के लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी भी दी है, यानी ये सौगात अलग से। और 2014 के पहले क्या होता था, 2014 के पहले तो बहुत ही खराब स्थिति थी। पहले तो कनेक्शन नहीं मिलते थे, एक कनेक्शन को लेने में 25-30 हजार रुपया लगता था, तब भी कनेक्शन नहीं मिल पाता था। और 25-30 हजार रुपए खर्च करके भी अगर किसी को बिटिया की शादी करनी है, कहीं से मिल गया कनेक्शन, तो सिलेंडर भी बड़ा ही धोखेबाज निकलता था। ठीक त्योहार के दिन, होली के दिन, दीपावली के दिन वो सिलेंडर रसोई गैस समाप्त, परिवार के सामने मेहमान आया हुआ है, गैस समाप्त। अब कहां से लेके आए, ये परेशानी अलग थी। और उसमें महिला तो बेचारी अपने घर की रसोई बनाती, बनाने के लिए तैयार बैठी रहती थी। अब रसोई गैस के लिए जाए तो पुरुषों की अलग से दुर्गति होती थी, कहीं पुलिस की लाठी चटकती थी, और अगर वह खाली सिलेंडर लेके आया तो घर में बेलना भी तैयार रहता था, तो ये पुरुष भी परेशान रहते थे। प्रधानमंत्री जी ने दोनों की समस्या का समाधान कर दिया कि आज देखे रसोई गैस के लिए कोई लाइन नहीं लगाता, रसोई गैस के लिए लाइन भी नहीं लगाता है, और कनेक्शन भी अगर किसी को गरीब है तो उसको फ्री में, और जिसके पास पैसा है तो वह जाकर के अपना कहीं से भी खरीद सकता है, उसकी एक व्यवस्था बना दी गई। और सब्सिडी का लाभ, इसमें चोरी ना हो, किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो, सब्सिडी का लाभ आपके खाते में सीधे सीधे आ जा रहा है। यानी इससे बड़ी सुविधा और क्या हो सकती है। और यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई एक सौगात है, आंखों को भी ठीक करने के लिए और फेफड़ों को भी स्वस्थ रखने के लिए। यानी अगर व्यक्ति में, व्यक्ति की आंखें काम नहीं करेंगी तो दुनिया की सुंदरता उसके लिए किसी लायक नहीं। व्यक्ति के अगर फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ये दुनिया बेकार है, वो चल नहीं सकता, श्वास नहीं ले सकता, श्वास फूलती है। लेकिन इन दोनों से बचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लोगों को जीने की एक नई राह दिखाई। और भाइयों बहनों, इसी योजना में अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने 300 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिया। कोरोना कालखंड में रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए गए थे, और अब उत्तर प्रदेश सरकार इसी में सहयोग के लिए आपके साथ खड़ी है। हम लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले एक घोषणा की थी कि सरकार बनेगी तो दीपावली और होली पे फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार करेगी, और उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश भर के सभी लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं इसके लिए आज प्रदेश भर के हर जनपद में आयोजित कार्यक्रमों में जो भी हमारे मंत्रीगण हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, इसके लिए जो भी लाभार्थी वहां पर आए हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपावली की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सबको व्यक्त, उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। यह हम लोगों ने सुविधा जो दी है, जो 2300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम लोग दे रहे हैं, यह 1,75,00,000 से अधिक उस हर लाभार्थी के लिए है जो लाभार्थी प्रदेश के अंदर उज्ज्वला योजना का कनेक्शन धारी है। लेकिन शर्त एक है, उन्हें अपने अकाउंट को आधार से लिंक करना पड़ेगा, यानी वह रसोई गैस ला रहा है, ले रहा है, इसको और इसको कंपनी और प्रशासन लोकल स्तर पर
इसकी वेरिफिकेशन करने के साथ ही हम कंपनी को पैसा देंगे, कंपनी उनको फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, फ्री में रसोई गैस उस महीने उपलब्ध करवा देगा। और ये व्यवस्था हमें तत्काल ले लेनी चाहिए उन सभी लाभार्थियों को, क्योंकि अब तक 1,75,00,000 में से केवल 54,00,000 लोगों ने आधार से अपने आप को लिंक किया है। अब तो ये सस्ता ईंधन है, मार्केट में कोयले से, लकड़ी से, केरोसिन से इससे भी सस्ता है, क्योंकि 300 रुपए की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। इधर इस बार हम लोग फ्री में दे रहे हैं, फिर होली के अवसर पर भी फरवरी में फिर ये सुविधा हम फरवरी मार्च में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इसलिए इस सुविधा के लिए सबसे पहले आधार से जोड़ना और आधार से वेरीफाई करवाते हुए, आधार से लिंक करते हुए अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो तत्काल हमें फ्री में एक रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो जाएगा। और इस कार्यक्रम को हम पूरी तत्परता के साथ प्रदेश भर के सभी लाभार्थी करें, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको, देखिए आज लोग खरीदारी करते हैं और व्यापक पैमाने पर करते हैं, मार्केट में लोग जाएंगे, चहल पहल होगा, कोई बर्तन खरीदता है, कोई गौरी गणेश की मूर्ति को खरीदता है, कोई अन्य चीजों को खरीदारी करता है। देखिए एक अवसर है, इतना बड़ा पर्व और त्यौहार है हमारा, इस पर्व और त्यौहार पर सरकार के स्तर पर ये डबल इंजन की सरकार के द्वारा दी जाने वाली ये सौगात, इसके लिए आप सबको बधाई, आप सबको इसके लिए शुभकामनाएं, आप सबको दीपावली की भी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखें। आपका जीवन स्वस्थ होगा तो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए आप कुछ कर पाएंगे, आपकी प्रतिभा, आपकी ऊर्जा, आपके परिश्रम का लाभ समाज को, राष्ट्र को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको दीपावली की और धनतेरस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद।